तो दोस्तों ये देखिए, मालती चौहान के बाद अब गोरखपुरिया भौजी यह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली गई हैं। जी हाँ दोस्तों, वही गोरखपुरिया भौजी जो कि मालती चौहान और विष्णु राज के बीच हुए विवाद पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया मालती चौहान के पक्ष से ली थी और उन्होंने पुलिस थाने में जाकर मालती चौहान के साथ विष्णु राज के खिलाफ में केस भी दर्ज करवाई थी, लेकिन उनका यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मालती चौहान यह दुनिया छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर काफी सारे लोगों का कहना है कि इस मामले में गोरखपुरिया भौजी का ही हाथ है, गोरखपुरिया भौजी ही असली दोषी है। जिसके बाद गोरखपुरिया भौजी की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है और आज इस खबर ने सभी को चौंका दिया कि गोरखपुरिया भौजी यह दुनिया छोड़कर चली गई है। आप लोग हॉस्पिटल की तस्वीरें लाइव देख सकते हैं कि जिसमें गोरखपुरिया भौजी को आज स्ट्रेचर पर उनको घर के लिए रवाना किया जा रहा है, उनको घर पर लाया जा रहा है, उनके परिवार वालों के सामने आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हॉस्पिटल से घर लाया जा रहा है, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी के साथ ये सभी चीजें अचानक हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि इसके पीछे अभी ठोस कारण नहीं मिल पाया है। आखिर गोरखपुरिया भौजी के साथ वह कौन सा ऐसा कारण था कि जिसकी वजह से गोरखपुरिया भौजी यह दुनिया छोड़कर चली गई। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, मालती चौहान के जाने के बाद मुख्य आरोपी के तौर पर केवल एक ही व्यक्ति उनके पति विष्णु राज की गिरफ्तारी करवाई गई थी। वो अभी कोर्ट में पेशी के दौरान जज साहब के सामने ऐसी कोई भी सबूत की पुष्टि नहीं हो पाई जो कि विष्णु राज के पक्ष में थी। हर एक सबूत की पुष्टि नहीं की जा सकती थी जिसमें विष्णु राज निर्दोष पाया जा रहा था, लेकिन दोस्तों लोगों का कहना था कि विष्णु राज नहीं बल्कि गोरखपुरिया भौजी असली दोषी है और जो कि वह खुला घूम रही है और उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसी वजह से आज गोरखपुरिया भौजी हम लोगों के बीच नहीं है। स्क्रीन पर तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि यह तस्वीरें आज क्या बयां कर रही है। गोरखपुरिया भौजी के परिवार की स्थिति देखकर आज सभी लोगों का कहना है कि पता नहीं अचानक ये सभी चीजें कैसे हो रही है, कभी मालती चौहान चली जाती है और आज एकाएक गोरखपुरिया भौजी चली जाती है। दोस्तों गोरखपुरिया भौजी के लिए आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, भगवान से उनको आत्मा की शांति के लिए दुआ जरूर कीजिएगा, साथ ही मालती चौहान को इंसाफ मिलने की उम्मीद अगर आप भी करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।